थी और आज हम साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेमस करी बनाएंगे जिसको आप कंबाइन कर सकते हैं डोसा के साथ, इडली के साथ, राइस के साथ और वड़ा के साथ। यस यू आर राइट कि हम बनाएंगे सांभर, लेकिन सांभर को हम बाजार के मसाले के साथ नहीं बनाएंगे, उसका मसाला हम घर में फ्रेश बनाएंगे। अभी फ्रेश मसाला जब उसमें हम डालते हैं भून के, तो उसका टेस्ट आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सांभर अपने आप में एक बहुत न्यूट्रिशियस डिश है, उसमें दाल है, उसमें प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं और फ्लेवर तो उसमें है ही। तो जल्दी से एक बार हम देखेंगे कि उसके लिए जो ड्राई खड़े मसाले हमें जो रोस्ट करने हैं उसमें हम क्या क्या लेंगे। इसमें मसाले में जो मेनली जाता है वो साबुत धनिया जाता है या कोरिएंडर सीड्स, तो ये मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून। और ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मैंने स्प्लिट वाइट उड़द दाल जो वाइट होती है, और 1 ही टेबल स्पून मैंने चने की दाल ली है, 1 टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, साबुत जीरा, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने पेपर कॉर्न, काली मिर्ची के दाने, 1 लौंग मैंने लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है सरसों, और करीब 3 से 4 छोटी है लाल मिर्चें मेरी, तो मैंने 3 से 4 लिए जिनको मैंने बीच में से तोड़ लिया है। अगर बड़ी लाल मिर्ची है तो आप कम लीजिए या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लीजिए। ये कुछ ग्राउंड स्पाइसेस हैं जिनको हम बाद में ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। करी लीव्स मैंने लिए हैं अराउंड 8 to 10 और 3/4 टीस्पून मैंने लिया है हींग, और ये कुछ वेजिटेबल्स, मैंने अनियन को चॉप किया है, टमाटो चॉप्ड है, और ये कैरेट और बीन्स है, और ये गार्लिक और जिंजर है, और ये ड्रमस्टिक है। तो ड्रमस्टिक मैं आपको बताऊंगी अभी कि हम कैसे चॉप करेंगे, तब तक हम अपने ये मसाले रोस्ट करेंगे। तो इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ उनको रोस्ट करना है। गैस को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है, करीब 2 मिनट मैंने इन स्पाइसेस को भूना। अभी मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ये जब कूल डाउन हो जाएंगे तो हम इसे मिक्सर में फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी इसे हम हटा देते हैं और तब तक हम अपने वेजिटेबल्स को एक बारी सॉटे कर लेंगे। तो उसके लिए एक पैन में आप ऑयल यूज़ करना चाहें ऑयल, मैं करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लिया है, उसको हम गरम होने देते हैं। घी गरम हो गया है, इसमें मैं ऐड करूंगी ये 1 कप अनियन है, थोड़ा चॉप कर लिया है मैंने इसको, फाइनली चॉप कर लिया है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। अनियन को थोड़ा सौते करूंगी, इसमें ही ऐड कर दूंगी मैं ये जिंजर गार्लिक, मैंने इसे भी फाइनली चॉप किया है, आप चाहें तो इसे पेस्ट डाल सकते हैं। ये करीब मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, ये कम्प्लीटली आप जितना उसका फ्लेवर जिस चीज़ का चाहते हैं आप उतना उसमें डालिए। इसको अभी हम सॉटे करके ब्राउन करेंगे, इसको जल्दी ब्राउन करने के लिए हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि जो मैंने ये दाल बॉईल किया है ये करीब 1.25 कप दाल है, जिसको मैंने सिर्फ अच्छे से रिंस करके पानी में सिर्फ प्लेन वाटर में बॉईल किया है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो उसमें नमक ऐड करके बॉईल कीजिए, तो उसमें अकॉर्डिंगली डालिए, मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो प्याज को जल्दी गोल्डन ब्राउन करने के लिए हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, और ये मैं डाल दूंगी इसमें टर्मरिक पाउडर और ये हींग और ये करी लीव्स। आप चाहें तो करी लीव्स को जब आप मसाला भून रहे हैं उसका, तो आप मसाला भूनते वक्त भी उसमें डाल सकते हैं, तो वो जब क्रिस्प हो जाएगी तो उसके साथ क्रिस्प जाएगी। मैंने ये अभी डाली है, तो ये तब तक हमारा सौते होता है, इतने हमारे वो स्पाइसेस ठंडे हो गए हैं, तो चलिए हम उनको ग्राइंड कर लेते हैं। इतने इसी वक्त मैं इसमें मिलाऊंगी करीब 2 टेबल स्पून सांभर मसाला, जो अभी हमने फ्रेश पीसा है। आप इसमें थोड़ी सी करी लीव्स भी अगर भून के डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा। मेरे पास करी लीव्स इतने ही थे, तो मैंने सिर्फ उसे ग्रेवी में
डाल लिया, इसे हम भूनेंगे। ये इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये कैरेट्स और जो बीन्स मैंने चॉप की थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो प्योरे। ये टमाटो मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटो को मैंने चॉप कर लिया था फाइनली। आप चाहे तो पीसेस में काट भी लीजिए छोटे छोटे में। इसको हम करेंगे और ये कुछ ड्रम स्टिक्स हैं जिनको मैंने जिसके रेशे जो होते हैं वो मैंने हटा लिए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसमें डालूंगी। अगर ड्रम स्टिक बिल्कुल कच्चा है तो आप डायरेक्ट डालिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पका हुआ है तो एक बार हल्का सा पानी में उसको गर्म पानी में डाल दीजिए या एक बॉयल ले लीजिए बस और उसको ऐड कर दीजिए। देखिए अभी जब तक हमारी ये सब्जियाँ थोड़ी सी सॉटे हो रही हैं तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ। ड्रम स्टिक को हम इस तरीके से इसका टिप मैं हटा दूंगी नाइफ से और ये करीब जितना भी बड़ा आपको 1 इंच के आसपास जो पीस चाहिए आप इसे ऐसे निकालेंगे और इस तरीके से इसका रेशा हटाएंगे क्योंकि वो खाते वक्त फिर फंसता है मुंह में ना दांतों में, तो इस तरीके से आप रेशा हटा के डालेंगे। अगर कच्ची बहुत होती है तो रेशा कम निकलता है। इस तरीके से इसको वापस इधर से मैं लूँगी और ये करके ये इस तरीके से इसका रेशा हम हटा देंगे। तो इसी तरीके से मैंने पीसेस निकाल के रख दिए थे। सब्जियों को अच्छे से पकने देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1/2 कप टैमरिंड पल्प है, इमली का पल्प है। ये पल्प रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है, मैंने घर में बनाया है। जस्ट सिंपल है कि आप इमली को पानी में भिगो के रखिए, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं, और फिर उसको अच्छे से जब 1 घंटा करीब वो भीग जाए तो अच्छे से उसको मैश करके सीव कर लीजिए, या फिर सीडलेस इमली है तो आप ग्राइंडर में उसको चला लीजिए, सॉफ्ट हो जाती है। वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी और थोड़ी देर के लिए इन वेजिटेबल्स को पकने देंगे। 2 मिनट करीब उसको पानी में पकने देंगे और फिर हम दाल के साथ पकाएंगे। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा करीब 1 कप या जितना भी आपको लगता है कि ये मैं इसमें पानी डाल दूंगी और ये ढक दूंगी इसको जिससे ये वेजिटेबल्स थोड़े से टेंडर हो जाए। बेसिकली जो ड्रम स्टिक है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए फिर इसको हम दाल के साथ पकाएंगे। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ। अब ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो प्री कुक्ड दाल है, अरहर की दाल या तुअर दाल भी जो इसे बोलते हैं। सिर्फ मैंने प्लेन पानी में सिर्फ इसको करीब 3 से 4 विसल में आपका ये एकदम मैशी हो जाती है। और इसमें अभी मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि सांभर काफ़ी पतला होता है। अभी इस दाल के साथ हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे सब्जियों को। और आप मतलब मैंने काफ़ी अच्छा घोल लिया था तो हो गया। आपको चाहिए तो मैशर से आप इसे या ब्लेंडर से हल्का सा मैश कर लीजिए। अभी थोड़ा सा इसे हम पकने देंगे और उसके बाद हम ऊपर से लगाएंगे इसमें एक तड़का। तो अभी थोड़ी देर इसको हम पकने देते हैं। क्या तो फिर अभी जब मैं आई सांभर रेडी हो गया है। ये मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अभी इसमें हम इसका ऊपर से जो टैम्परिंग करना है इसका तड़का हम देंगे। आप अगर सब्जियों को इस तरीके से ना गलाना चाहें तो आप जब दाल बॉईल करेंगे आप ये सब्जियां चॉप करके तभी भी बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ फिर हम इसके लिए सिर्फ टमाटो और अनियन गार्लिक डाल के वो मसाला सिर्फ भूनेंगे और मसाला ऐड करेंगे तो भी जाएगा। ऐसे भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ इसलिए मैंने आपके साथ ये वाला तरीका शेयर किया। तो अभी घी गर्म हो जाता है और हम इसको एक छोटा जल्दी से एक तड़का देंगे ऊपर से अच्छा सा कलर देने के लिए। ये घी गरम हुआ, मैंने इसमें एक लाल मिर्ची इसमें डाल दी है, स्प्लैटर होने देंगे। और इसमें थोड़ा सा ऊपर से मैं और सरसों डाल दूंगी या राई दाना आप जो भी यूज़ करना चाहें डाल दीजिए। करी लीव्स क्योंकि हम डाल चुके हैं तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप और ऐड करना चाहें। और ये मैंने करीब 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ये हम
इसको इस तरीके से, ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर हमारे सांभर पे आ गया। जो और है मैं वापस इसी में डाल दूंगी और इसको अब हम सर्व करेंगे। तो एक परफेक्ट इडली सांभर हमारा रेडी हो गया। देखिए इडली मैंने बना के रखे हुए थे और सांभर अभी फ्रेश हमने बनाया, तो भूख लगने के लिए ये प्लेट इनफ है आई गेस। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा सांभर और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसा बनाया, कैसा बना आपका सांभर, और अपना अपनी कमेंट्स अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।